प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड पूरा किया। एपिसोड टीवी चैनल से लेकर निजी रेडियो स्टेशन और सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से अधिक प्लेटफॉर्मों पर सुना गया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर पर भी एपिसोड प्रसारित हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें सभी हजारों चिट्ठियां और संदेश मिले। मध्य प्रदेश में पीएम के मन की बात को मुख्यमंत्री शिवराज ने भी भोपाल की गोविंदपुरा में क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौर और डुबो के साथ सुना। कार्यक्रम के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात ने सामाजिक क्रांति लाई है। अच्छे काम करने वालों को प्रधानमंत्री सामने लाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। बैरसिया में बेमौसम बारिश और आंधी और तूफान से करीब आधा दर्जन गांव में ग्रामीणों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिसका जायजा लेने दिग्विजय सिंह के सांसद प्रतिनिधि रामबाई मेहर गांव पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों से भी बात की और शासन से भी जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की। गंज बासोदा में एसडीओपी मनोज मिश्रा ने मेडिकल संचालकों के साथ एक बैठक की, जिसमें नशीली दवाओं पर लगाम लगाने पर चर्चा हुई। इस दौरान एसडीओपी ने सख्त निर्देश दिए और प्रतिबंधित सिरिंज, इंजेक्शन और दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे के किसी को भी ना देने का आदेश दिया। झाबुआ के थांदला में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। खेतम गांव के घर में शव बरामद हुआ। युवक की पत्नी बाली ने हत्या की आशंका जाहिर की। उसने काकनवाली थाने में जीतमल रावत और उसकी पत्नी पांगली रावत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना के बाद से ही दोनों फरार हैं। अवैध संबंध और पैसों के लेन देन से जुड़कर इस मामले को देखा जा रहा है। जनपद रुद्रप्रयाग में हो रही केदारनाथ धाम यात्रा में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 77,565 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए केदारनाथ धाम समेत यात्रा पड़ावों पर पुलिस बल तैनात है, जो यात्रियों और श्रद्धालुओं की हर संभव मदद कर रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नागदा को जिला बनाने की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। शहर से बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों के जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन आवेदन का जत्था लेकर भोपाल निकल पड़े। इस जत्थे में शहर के 10 लोग शामिल हैं। रवाना होने से पहले पदयात्रियों पर फूलों की बारिश की गई, फूल मालाएं पहनाई गई और साफा बांधकर भोपाल के लिए रवाना किया गया। शिवपुरी में नगर पालिका ने नीलामी शुरू की है। जहां दुकानों की प्रीमियम राशि वसूलने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें कई दुकानदारों ने नीलामी की प्रीमियम राशि जमा नहीं करने वाले दुकानदारों की दुकानों पर ताला चढ़ दिया। ये अभियान नगर पालिका सीएमओ डॉक्टर केएस सगर के निर्देश में चलाया गया। इसमें नगर पालिका का राजस्व अमला, स्थानीय वीर सावरकर मार्केट पहुंचा। शिवराज भैरंदा तहसील की ग्राम पिपलानी में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने नव विवाहित जोड़ों पर फूलों की बारिश की। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आदिवासी गोंड समाज और गोरखू समाज के 145 जोड़ों की शादी कराई गई। समारोह में मुख्यमंत्री ने हर जोड़े को 49,000 रुपए की राशि चेक जो है वो सौंपा। जयपुर जिले के ग्राम कोतापाल में आदिवासी तेलंगा समाज का महासम्मेलन हुआ। समाज का कहना है कि संस्कृति और परंपरा से आदिवासी समुदाय को वंचित किया, इसका अध्ययन कर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। तेलंगा समाज जो पिछले कई सालों से आदिवासी वर्ग में सम्मिलित होने के लिए संघर्ष कर रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 मई तक मौसम का मिजाज बदलेगा। इसी के साथ उन्होंने चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया। विक्रम सिंह ने बताया कि चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में 2 से 3 फीट की बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की एनपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई। बता दें कि बांदा जेल में बंद मुख्तार की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने के मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। सांसद ब्रजभूषण ने नंदनी नगर महाविद्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि लड़ाई अब खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुकी है, पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें प्रवेश हो चुका है। इसके लक्षण उन्हें पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर के पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास झाड़ियों में एक महिला का शव मिला। मामला माधवगंज थाना क्षेत्र का। महिला के पास से
फोटो के आधार कार्ड और मोबाइल मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। मामले में महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का शक जताया जा रहा है। हापुड़ में हथियारों की अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पिलखुआ पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अभिषेक वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी अवैध हथियार बनाकर डिमांड आने पर सप्लाई करते थे। ये लोग गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर के आसपास अवैध तमंचे को 6 से 7 हजार रुपए में बेचते थे। केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है। जिला मुख्यालय से पूरे रुद्रप्रयाग जिले में बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग से अपील की गई है कि वह जहां पर भी है वहीं पर सुरक्षित रहे। बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले के निचले इलाकों में बारिश हो रही है, साथ ही केदारनाथ धाम समेत ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। रुद्रप्रयाग पुलिस के स्तर से सभी कस्बों में श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ही रुकने की अपील की है। पंजाब के लुधियाना में गैस लीकेज से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं, 4 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। घटना गैसपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक मिल्क बूथ पर हुआ। घटना के बाद मेडिकल फायर ब्रिगेड पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बीमार हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक युवक ने बेजुबान कुत्ते को पीट पीट कर इस कदर जख्मी कर दिया कि उपचार के दौरान कुत्ते की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने कुत्ते के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई शुरू कर दी। गुना में कर्नलगंज में महिला की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कर्नलगंज थाना पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि देवर ने ही दरअसल भाभी की हत्या की थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया। हमीरपुर पुलिस ने अवैध असला बनाने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को असला फैक्ट्री में छापा मारकर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त पिछले काफी समय से अवैध असले का कारोबार कर रहे थे। फैक्ट्री से भारी मात्रा में असला बनाने के उपकरण और असले बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। सरगुजा में सहकारिता विभाग ने निरीक्षक के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर आरोपी के द्वारा कोतवाली थाना अंतर्गत सचिन जायसवाल से 1,57,000 रुपए की ठगी की गई। आरोपी ने सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर 4 लाख की मांग की, जिसमें से पीड़ित ने 1,57,000 दे भी दी। बाद में ठगी का एहसास होने पर उसने केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नगरपालिका सिवनी को शहर को स्वच्छ बनाने से लेकर यहां कलेक्टर और विधायक ने हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड में सफाई कर्मियों से भी बातचीत की। इस दौरान स्वच्छ बनाए जाने को लेकर योजना बनाई गई और इस पर विस्तृत चर्चा की। शिवपुरी शहर के देहात थाना क्षेत्र के मझेरा फोरलेन हाईवे किनारे 26 अप्रैल को एक युवक की लाश मिली। युवक की पहचान कमलागंज घोसीपुरा निवासी वसीम खान के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य तहकीकात दुर्घटना से शुरू की थी, लेकिन अब परिजनों ने वसीम की हत्या कर सड़क पर फेंकने के आरोप लगाए हैं, वो भी एक युवक पर। शासकीकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिव पिछले 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। शासन से सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण सचिवों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। सचिवों के कलम बंद करने से महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल रहा, इससे पंचायत में जनप्रतिनिधियों को ग्रामीणों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। कराना में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त विकास प्राधिकरण अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने के बाद श्याम बंसल पहली बार तराना में आने पर रास्ते में मंच बनाकर उनका स्वागत किया गया। इसी के साथ क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह मोर और कई कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित थे। आगरा में हथियार लाइसेंस धारकों को लाउड स्पीकर के माध्यम से अंतिम चेतावनी दी गई और सभी लाइसेंस शस्त्रधारियों को थाना में अंतिम तिथि से पहले शस्त्र जमा करने के निर्देश दिए गए। शस्त्र जमा न करने पर लाइसेंस निरस्त करने के साथ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र बेरुंदा में एक इलेक्ट्रिकल की दुकान में लगी आग ने उनके हाईटेक नगर परिषद के दावों की पोल खोलकर रख दी।
तरफ या दुकान में रखा सामान जल गया, लेकिन सूचना देने के बावजूद भी कोई फायर ब्रिगेड या टैंकर मौके पर नहीं पहुंचा। इसके चलते वहां मौजूद लोगों ने ही बाल्टी से आग बुझाने की कोशिश की। चुरिया क्षेत्र में मौसम खराब होने के साथ बारिश होने से गर्मी और उमस से तो राहत मिली। नगर सहित क्षेत्र में बारिश होने से बिजली भी बंद रही। नगर सहित गांव में शादी ब्याह के समय बारिश होने के चलते दिक्कतें काफी बढ़ गई। तेज आंधी तूफान के चलते व्यवस्था प्रभावित हुई। बिजली जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में शादी विवाह के समारोह भी प्रभावित हो रहे। डिंडोरी यातायात विभाग के द्वारा 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार यातायात जागरूक कार्यक्रम के अंतिम दिन बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली को एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तहसील मुख्यालय घटिया के लवखेड़ी हनुमान मंदिर में 1 मई से सुप्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल की विशाल भजन संध्या को लेकर तैयारियां चल रही है। आयोजन से पहले थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने अपने दल बल के साथ शनिवार को कथा स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थापकों को आने वाली व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हटा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम रोड़ा पटना में कुएं में गिरे हिरण के बच्चे को पुलिस टीम ने रेस्क्यू किया। रोड़ा पटना में कुत्ते के हमले से घायल होकर एक हिरण कुएं में गिर गया, जिसे बाहर कर डायल 100 वाहन के माध्यम से हटा लाया गया। यहां से वन विभाग रेंजर ऋषि दीक्षित को सूचना देकर वन विभाग की टीम के सपोर्ट किया। जगदलपुर के थाना नगरनार सीमा से लगे उड़ीसा प्रांत से होने वाले अवैध पदार्थों के परिवहन को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। उड़ीसा से जगदलपुर की ओर आ रही यात्री बसों में 2 तस्करों के पास से पुलिस ने गांजा बरामद किया। आरोपी बैग में गांजे की भरकर तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने कुल 21 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 2 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। जालौर में रविवार को दोपहर को एक बार फिर मूसलाधार बारिश देखने को मिली। करीब 1 घंटे तक बारिश का दौर जारी रहा। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश भी हुई, मगर किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। बारिश के कारण किसानों के खेतों में कतराई के लिए रखे गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। जालौर में रोड शो के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बिना हेलमेट के सड़क पर बाइक दौड़ाते नजर आए। सभा विधायक विनोद और जिलाध्यक्ष दीपराज भी रोड शो में मौजूद थे। विधायक से लेकर जिलाध्यक्ष बिना हेलमेट के सफर करते नजर आए। ये रोड शो उरी नगर पालिका की सपा प्रत्याशी कुसुमा रानी के समर्थन में निकाला जा रहा था। जावरा में किन्नर गुरु विंध्याभूम ने शीतला माता मंदिर पर पूजा अर्चना कर विधि विधान से डीजे के साथ कलश यात्रा निकाली, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी और नई आबादी स्थित भवन पर इसका समापन हुआ। नगरवासियों को प्रसाद का वितरण किया गया। जसपुर जिले के पत्थल गांव में सगे भाई ने अपने ही बड़े भाई की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पत्थल गांव के ग्राम लोधा में रात को 2 सगे भाइयों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इस पर बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ मारा तो छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर कुल्हाड़ी से ही हमला कर दिया। कालापीपल और आसपास के इलाके में अचानक मौसम ने करवट ली और अलग अलग इलाकों में करीब 20 मिनट तक रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। बोलाय खुर्द, जेठा, खाटूर सहित कई इलाकों में बेहद तेज गति से बारिश बर्फबारी से नालियों में पानी की जगह बर्फ बह निकला। ओलावृष्टि और बारिश से प्याज की फसल को भी भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। खरगोन जिले में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में परिवहन किए जा रहे अवैध शराब को जब्त किया। पुलिस ने सूचना के आधार पर इंदौर की ओर से तेज गति से आ रही सफेद फोर्ड इको स्पोर्ट कार को रोकने का संकेत दिया तो वाहन चालक ने कार को और तेजी से भगाया। वही पुलिस ने आरोपी को पकड़कर कुल 35 पेटी शराब कार से बरामद की। कटनी में दिनभर तेज गर्मी के बाद शाम को तेज हवा आंधी के साथ अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अचानक आंधी तूफान और पानी से सड़कों के किनारे लगे बड़े बड़े पेड़ गिर गए। वही कावसी बाट के नेंसी स्कूल के पास एक वर्षों पुराना नीम का पेड़ अचानक से घर की छत पर जा गिरा। हालांकि उस वक्त घर में 4 बच्चों के साथ एक सदस्य वहां फंस गया।
खंडवा में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर के गुंडा सूची में शामिल अपराधियों और अन्य व्यक्तियों के द्वारा शासकीय भूमि और निजी भूमियों पर अतिक्रमण किया गया था, जिनको तोड़ा गया। इसमें 4 शासकीय भूमि और 2 निजी भूमियों पर बुलडोजर चलाकर हजारों वर्ग फीट जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। विधानसभा क्षेत्र के जमुआ ग्राम पंचायत में किन्नर किरण दद्दा ने दलित बेटी का कन्यादान किया। जानकारी के अनुसार अंजलि दोहरे के पिता रघुवीर दोहरे 9 साल पहले अपनी पत्नी और बेटी अंजलि को दादी के पास छोड़कर चले गए थे। दादी ने पालन पोषण किया, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते किरण दद्दा ने अंजलि को गले लगाकर उसका कन्यादान करने का फैसला। भाजपा महिला मोर्चा ने मसूरी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमारी की अध्यक्षता में मसूरी से उत्तराखंड के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों और शहीद परिवारों के सदस्यों को सम्मानित किया। मसूरी के एक होटल में सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा देहरादून महानगर महामंत्री रतन सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। माविंद्रवासिनी स्वशासी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में अब तक की सबसे बड़ी सर्जरी की गई, जिसमें 23 साल के युवक के हिप रिप्लेसमेंट का सफल ट्रांसप्लांट हुआ। 2 घंटे तक चली सर्जरी में 3 डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन किया। ऐसी सर्जरी मिर्जापुर में पहली बार हुई। मुरादाबाद में प्रधानमंत्री के मन की बात को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने बिलारी भाजपा नेता ऋषि पाल चौधरी के आवास पर हुए कार्यक्रम में सुना। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। पानसेमल थाना क्षेत्र के खड़ीखम गांव के निवासी परिवार के बालक बालिका खेल में निवाली थाना क्षेत्र में पहुंचे। निवाली ग्रामवासियों के द्वारा सूचना के बाद थाना प्रभारी तारा मंडलोई ने नाबालिग बच्चों को पुलिस थाने पर पूछताछ की, जिसके बाद थाने पर पदस्थ ASI सुरेंद्र चौहान ने बच्चों को पानसेमल पुलिस थाने पर पहुंचाया। कुमारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सगोनी मार्ग पर तेज तूफानी हवाओं के चलते खड़ी बस पर एक पेड़ जा गिरा। ये पूरा घटनाक्रम कुमारी सागवन मार्ग पर बताया जा रहा है, जहां पर तेज तूफान के मौसम में करवट ली और भारी भरकम पेड़ बस के ऊपर जा गिरा। हालांकि इस घटना में किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे की शिव कॉलोनी में एक 31 वर्षीय महिला ने शनिवार की देर शाम अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची पोरी थाना प्रभारी TI बलविंदर सिंह ने रचिका प्रियांशी को फांसी के फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कृष्णा पब्लिक स्कूल में संचालित होने वाले स्कूल वैन चालक की लापरवाही से एक स्कूली छात्रा काठी बंद चौक पर वाहन से गिर गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने बस के मैकेनिकल जांच की, जिसमें एक CCTV कैमरा खराब पाया गया, 2 फायर स्टिक लापता पाया गया और इसी को लेकर बस चालकों को नियमों से जुड़ी जानकारी देकर उन्हें स्पष्ट रूप से समझाइश दी गई। राजधानी के आजाद चौक क्षेत्र में अवैध शराब परिवहन करते CSP स्ट्रीकिंग फोर्स द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी जीतू चौहान और बसंत बघेल भाटा गांव के रहने वाले हैं। आरोपी के पास से 21 पेटी गोवा शराब जब्त की गई है। आरोपी ने शेवरले बीट कार में शराब तस्करी कर बेचने के लिए जा रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय अधिवेशन गुरु घासीदास प्लाजा रायपुर में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर चंद्राकर शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ADBM सिंह, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ